द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं शिफाली, सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं शनि सीरीज लेकर। आज जानेंगे शनि 7 नंबर राशि में हो तो क्या फल देते हैं। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय शिफाली जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। प्रोफेसर, शनि अगर 7वें घर में हो क्या डिले मैरिज करवाता है? शनि अगर 7वें घर में हो क्या लैंड लेकर घर नहीं बनाना चाहिए? शनि अगर 7वें घर में हो क्या पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं मेरे आपके लिए, तो आप उसका एक एक करके जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न पाली जी आपने आज बात की। शनि 7वें घर में हो क्या होता है? शिफाली जी, पराशर ज्योतिष कुछ और कहती है, लाल किताब कुछ और कहती है जी। अलग अलग भेद हैं इन सब किताबों के, लेकिन मेरा कुछ नज़रिया अलग ही है। मैं अपने नज़रिए के बारे में जब भी बात करता हूँ मैं लॉजिक के साथ बताता हूँ और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कहानियों गाथाओं के द्वारा जी, बिल्कुल। लेकिन जो मेरा नज़रिया है 7वें घर में शनि का, शिफाली जी, शनि देव हमारी पराशर ज्योतिष कहती है जिस घर में बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं और जिस घर को देखते हैं उस घर का नाश करते हैं। नाश करते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया आप उसी ढंग से ही मेरे को जवाब देना। अगर गलत जवाब दिया शिफाली जी आगे से पढ़ाना बंद कर दूंगा। दंड मिलेगा। दंड मिलेगा, बोलना नहीं है जी। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको हमेशा याद रखना है कि जब मैं जो भी बात आपको बताता हूँ उसको दिमाग में डाल के रखना, क्योंकि मैं पराशर ज्योतिष की बात ज़्यादा करता हूँ। पराशर ज्योतिष हमारी ये कहती है कि जिस घर में शनि बैठता है उस घर की वृद्धि करता है जी। तो पहले तो पराशर ज्योतिष की ही बात करूँगा जी। अगर हम अगर पार्टनरशिप की बात कर लें, मान लीजिए पार्टनरशिप हम किसी के साथ रखते हैं वो हमें धोखा देगा जी। क्यों धोखा देगा? क्योंकि यहाँ पे पराशर ज्योतिष ने बोला है कि जिस घर में बैठेगा वृद्धि करेगा। वो एक के साथ पार्टनरशिप टूटेगी दूसरे के साथ करेगा जी। यानी कि पार्टनरशिप करने से पहले कुंडली दिखा लेनी चाहिए। देखिए शिफाली जी, यहाँ पे एक और मत आता है। यहाँ पे अगर शनिदेव स्वय राशि के बैठे हुए हैं जी, अगर उच्च होकर के बैठे हुए हैं तो पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए जी। अगर शनिदेव नीच के बैठे हैं और बुरी राशि में बैठे हैं, जैसे कि मान लीजिए शनि की दुश्मन राशि कौन कौन सी है, कहते हैं कि सिंह राशि दुश्मन राशि है और कर्क राशि में भी अच्छे नहीं होते, मेष राशि में भी अच्छे नहीं होते, वृश्चिक राशि में भी अच्छे नहीं होते जी, बिल्कुल। देखिए अगर शनि देव कहीं बुरी राशि में बैठे हुए हैं तो पार्टनरशिप दूर भागना चाहिए, पार्टनरशिप कभी करनी भी नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है प्रोफेसर, इंसान अकेला कामयाब नहीं हो पाता तो किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। अगर पार्टनरशिप करनी भी चाहें तो क्या करें, कौन सा ऐसा उपाय करके हम पार्टनरशिप कर सकते हैं? वो शिफाली जी बात की बात है, पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो वो उसके साथ अगर गुरु ग्रह बैठा हुआ है और उसकी अच्छे घर में बैठा हुआ है, यानी तुला राशि में बैठा है, मकर राशि में बैठा है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो गुरु ग्रह का साथ मिल रहा है तब पार्टनरशिप करनी चाहिए जी, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। अब पहले मैं बात करूंगा शिफाली जी, नहीं तो एपिसोड हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा जी। मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे आपको कहना चाहती थी, अगर मान लीजिए दूसरे पार्टनर की कुंडली में वहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं हाँ, तो फिर करनी चाहिए नहीं? शिफाली जी वो देखना पड़ेगा कि उसका लग्न कौन सा है जी, बिल्कुल, उसकी कौन सी राशि में बैठे बृहस्पति। देखिए ये नहीं होता कि दूसरे घर में अगर सप्तम घर में बृहस्पति बैठते हैं तो सप्तम घर में बृहस्पति बैठते तो कहते उस घर का नाश होता है जी, बिल्कुल, तो वो उसकी तो बिल्कुल नहीं बनेगी जी। उसी के साथ शनि के साथ ही अगर बृहस्पति बैठते हैं तो अच्छा होता है जी, बिल्कुल। ये लाल किताब भी कहती है, हमारी पराशर ज्योतिष ये कई दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तब मेरी समझ में आता है कि ये बात सही कही है। तो अगर मैं, क्योंकि मैं स्टडी आपको पता ही हम पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, अकेला एक बंदा कब तक खोज करेगा, दो बंदे जब होते हैं तो तब खोज बढ़ती रहती है जी, बिल्कुल। और जैसे कि शिफाली जी आप पत्नी के लिए पूछा, पत्नी के लिए देखिए यहाँ पत्नी के कारण बदनामी भी मिलती है। अगर शनिदेव सप्तम घर में आ जाए
तो पत्नी के कारण बदनामी का सामना करना पड़ता है और जिल्लत पूरी जिंदगी करनी पड़ती, जिल्लत सहनी पड़ती लोगों की। अगर सप्तम घर में खराब राशि में आ जाए तो देखिए, अगर सप्तम घर में शनिदेव खराब राशि में आते हैं तो तलाक भी करवाते हैं, दूसरी पत्नी का सुख भी नहीं मिल पाता अगर बुरी राशि में बैठे हैं तो। ये बहुत बड़ी विद्या है शेफाली जी। यहाँ पे मैं मोटा मोटा समझाने की कोशिश करूँगा, जब शनिदेव सप्तम घर में आते हैं तो उसके लिए वैसे तो खराब ही होते हैं, अच्छे नहीं होते। हाँ, अगर कहीं खराब राशि के बैठे हैं तो खराब ही होते हैं, अगर अच्छी राशि के बैठे हैं तो अच्छे होते हैं। यहाँ पे सप्तम घर में जब भी शनिदेव आते हैं तो पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक बात और, वो पिता के लिए भी कष्टकारी हो जाते हैं। अगर कहीं ना कहीं सूर्य देव बारहवें घर में बैठ जाएं या चौथे घर में बैठ जाएं, शनि देव दसवीं दृष्टि से चौथे घर को देखेंगे जी, बिल्कुल, तो वहां पे पहले से सूर्य बैठे हों तो क्या होगा शिवाली जी? जी खराब। क्या खराब होगा पता? क्या खराब होगा, उसको लाल किताब कह देती है, ये भी अंधी कुंडली है जी, लाल किताब अंधी कुंडली बता देती है, क्योंकि जब भी सूर्य दसम घर को देखता है या दसम घर में बैठता है तो लाल किताब ये कहती है। लेकिन प्राचीन ज्योतिष ये कहती है पिता को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, अगर शनि सप्तम में बैठकर चौथे घर में सूर्य को देखता है तो ये भी यहाँ पे पिता का सुख नहीं मिल पाता और घर में जो खुशियाँ होती हैं वो भी नहीं मिल पाती। ये अलग अलग राशि का महत्व अलग अलग होता है, क्योंकि हम प्राचीन ज्योतिष एक एक राशि को बहुत डीपली देखते हैं। अगर मेष राशि का पड़ा हुआ है तो खराब होता है भाई, वृष राशि का पड़ा तो इतना खराब नहीं होता। अगर कहीं ना कहीं उसका साथी ग्रह बराबर का ग्रह कौन है? गुरु ग्रह। अगर बराबर ग्रह आकर बैठ जाता है तो फिर वो अच्छा होता है, ज़्यादा खराब नहीं होता। देखिए, अगर शनिदेव के साथ बुध आ जाए तब भी खराब, शनिदेव के साथ शुक्रदेव आ जाए तो सबसे ज़्यादा खराब, शनिदेव के साथ राहु केतु तो पता ही आप सबको वो खराब ही होते हैं। शनिदेव के साथ सूर्य आ जाए तो पिता से बनने नहीं देता, पिता के साथ मतभेद करता है जी। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे आपको मैं कहना चाहूँगी, प्रोफेसर साहब, अगर शनिदेव शुक्र के साथ आते हैं तो आपने बोला कि खराब होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेवंथ हाउस की। क्या कोई भी जातक की अगर कुंडली में शनिदेव जो है शुक्र के साथ बैठे हैं वो भी सेवंथ हाउस में, क्या वो शादी के बाद तरक्की नहीं करता? शिवाली जी, आप भूल गए मेरी प्राचीन ज्योतिष को जी, फिर से दोबारा याद कराना पड़ेगा। बताइए मुझे, जो कारक होता है जेंट्स की कुंडली में सप्तम घर का, वो कौन होता है? जी शुक्रदेव। भाई बात समझ गए आप जी, इसका मतलब कारक को कभी नहीं, जो हमारी प्राचीन ज्योतिष है उसको नहीं बोलना जी। क्योंकि सप्तम घर का कारक सप्तम घर में बैठ गया उसके दुश्मन ग्रह के साथ जी, बिल्कुल, इसका मतलब पत्नी के लिए और ज्यादा, पत्नी क्या हो जाएगी? बंदों के जैसी हो जाएगी, अपने अपने आदमी के आगे बोलेगी, इंटेलिजेंट हो जाएगी। जब बुध ग्रह आ गया तो चलाकी चुस्ती करेगी, दिमाग की तेज हो जाएगी। यहाँ पे बुध उसका मित्र है जी, तो खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप भूलो मत कि उसकी तीसरी दृष्टि किसके ऊपर पड़ रही है? भाग्य के ऊपर पड़ रही है। भाग्य उदय नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा, लेट होगा जी। तो भाग्य में अगर कहीं अच्छी राशि बैठी हुई है, अगर कहीं गुरु ग्रह साथ में बैठा हुआ है तो फिर साथ बन सकता है, अच्छा हो सकता है। अगर गुरु तीसरे घर में बैठकर पंचम दृष्टि से शनिदेव को देखते हैं तो फिर कुछ ना कुछ शनिदेव अच्छा फल करना शुरू कर देते हैं। देखिए, कुंडली को जानना बहुत ज़्यादा कठिन है, सीधा सीधा बोल देते हैं जी हमारी लाल किताब में शनिदेव सप्तम घर में उच्च के आ गए जी, ऐसे नहीं जी। ये तो बंदे के पास जमीन ज़्यादा तो होगी, अच्छा होगा, ऐसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा जब तक आप राशि को नहीं देखते जी। बिल्कुल, राशि को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो किस जमीन में बैठा हुआ है ज्योतिष को कैसे कोई जान सकता है। चलो मुझे ये बताओ शेफाली, बहुत गहरा समुंदर है प्रोफेसर। मैं पढ़ पढ़ के ये जान पाया कि मुझे कुछ नहीं आता, हर एपिसोड में मैं यही बोलता हूँ। देखिए, इतनी ज़्यादा डीप स्टडी कितनी भी कर लो, और डीप जाते जाओगे, और डीप जाते जाओगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सप्तम घर की, तो उसका कारक तत्व हो गया शुक्र और गुरु, बृहस्पति हो गया जी, बिल्कुल। तो सप्तम घर में राशि कोई और पड़ी है, और शनिदेव उस राशि में कौन से नक्षत्र में आया? अब जी ये भी बहुत मैटर करता है, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर कहीं नक्षत्र वो केतु का हो गया तो कैसा होगा जी? और खराब हो गया, और खराब हो गया। देखिए, जब तक आप केतु का नक्षत्र मेष राशि का आ गया तो सबसे ज्यादा खराब हो गया जी, बिल्कुल, नीच का, एक तो नीच का, एक ऊपर से केतु का नक्षत्र में वो सबसे ज्यादा खराब हो गया। तो देखिए, ये स्टडी को जानना बहुत मुश्किल है भाई, जो मैं यहाँ पे बात करता हूँ लिख लिया करो,
ये हमारा अनुभव है जो हम 20-25 साल से लगे हुए हैं खोज करने के लिए, जो मैं अपने दिल की बात, जो मैं अपनी स्टडी आप सबको बताता हूँ, शायद ही कोई कोई बताए, नहीं तो सभी यही जानते हैं। हम क्यों बताएं भाई जी, हम आपको क्यों बताएं, हम आपसे क्या ले रहे हैं। देखिए अगर पहले पंडित पता क्या होते थे शिवाली जी, अगर मैं आज से 30 साल पहले की बात करूँ, सुनिए बहुत ध्यान से, पहले पंडित हुआ कैसे करते थे। मैं गया ज्योतिष, क्योंकि मेरे को ज्योतिष का ना एक लालच थी कि कहीं से भी गुरु मिल जाए तो मैं सीखूं। मैं अलग अलग गुरु जन के पास जाता था। एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, लाल किताब का था, वो पंडित था, ब्राह्मण था। मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा ये मेरे, आप बहुत ज्ञानी हो तो मुझे ज्योतिष सिखाइए, जो आपकी फीस है मैं दूंगा, जैसे भी दूंगा मैं दूंगा। उनकी बात सुन के मेरे रोंटे खड़े हो गए। उसने क्या बोला, कहते मुझे पहले ये बताओ आप ब्राह्मण हो जी। मैंने कहा मैं तो ब्राह्मण नहीं, नहीं आपको ये विद्या नहीं दूंगा मैं, सीधा सीधा उसने मेरे को ये बोला। इसका मतलब क्या है कि कुछ बंदे ऐसे होते हम अपने ही धर्म में अपनी जाति में ही दें, लेकिन मैं चाहता हूं पूरी दुनिया में हर इंसान के पास वो विद्या हो जो विद्या आज तक आपसे छुपाई गई, जो मेरी खोज है। उसने मेरे को विद्या नहीं दी, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान ने मेरे को इतनी विद्या दे दी। मैं हर एपिसोड में मैं ये बोलता हूँ, किसी को ज्योतिष नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती। फिर बाद में एक लाइन और बोलता हूँ, अगर मेरे को भी नहीं आती तो दुनिया में किसी को नहीं आती। ये लाइन मैं जरूर बोलता हूँ, क्योंकि शिवाली जी ये मेरी खोज की हुई है। जी प्रोफेसर साहब, आप ये भी बोलते हैं जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा ना, वही मेरे पास आएगा, तो ऐसा होता भी है प्रोफेसर साहब। कई लोग, कई ऐसे जातक हैं जो कितने सालों से सोच रहे हैं कि हम आपके पास जाएं, आपका आशीर्वाद लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जब समय आता है तभी समय। देखिए कहते हैं आप ही बोलते हो शिफाली जी, नर बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। देखिए कहते हैं इंसान बलि नहीं होता। जब आज आज हमारे पास एक बंदा है, कहता 2019 में आया था मैं जी, बिल्कुल, तो 2025 में आया जी, उन्होंने भी ये बात कही कि आपकी वो बात मुझे याद आ गई। मैं बिजनेस आपको, कि वो जॉब कर रहा था, मैं कहा तेरे भाग्य में जॉब नहीं है, तू बिजनेस करेगा, इस चीज का बिजनेस करेगा। तो वो उसी चीज का बिजनेस किया, तो वो उसको दिमाग में मेरी बात याद आई कि उसने बोला था इस चीज का बिजनेस मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं अर्निंग अच्छी करने लगा हूँ, तो मैं क्यों ना प्रोफेसर साहब के पास जाऊँ। कहते कि दोबारा मिलने की मेरी तमन्ना हुई, मैं पूछूं कि अब मैं क्या करूं, किस नाम से मैं बिजनेस। देखिए कहते हैं समय उसका अब फिर शुरू हो गया, क्योंकि उसने मेरा कहा हुआ बिजनेस चुन लिया जी। जब उसने मेरा कहा हुआ बिजनेस चुन लिया तो इसका ये मतलब हो गया कि वो कामयाब हो गया। तो देखिए सप्तम घर का जो शनि होता है वो कभी अच्छा नहीं होता, उसको देखना पड़ता है वो कौन सी राशि में पड़ा है, कौन से नक्षत्र में पड़ा है, कौन से घर में पड़ा है। अगर घर में पड़ा है तो उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, जो कारक तत्व वो तो नहीं खराब कर रहा, लेकिन मैं मोटा मोटा फिर भी बता देता हूँ, शनि सप्तम घर में कभी भी अच्छे नहीं होते। पार्टनरशिप से बनने नहीं देते, घरवाली से बनने नहीं देते, तलाक करवा देते हैं, और घर में सुख सुविधा जो होती है जल्दी मिल नहीं पाती। इंसान को तड़ तड़ के हर चीज़ मिलती है शनि सप्तम घर में होते हैं तो। हाँ अगर शनि अच्छी राशि के बैठे हुए हैं, गुरुदेव साथ में बैठे हुए हैं, तो फिर शनि का ही काम करें तो अच्छे होते हैं शिवाली जी। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि शनिदेव इस घर में अच्छे नहीं होते, तो किस एज में मैरिज करवानी चाहिए अगर शनिदेव सप्तम हाउस में है। शिवाली जी 28 साल के बाद मैरिज करवाते हैं तो शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं जी, क्योंकि 28 साल के बाद, इसलिए क्योंकि हाँ जो 27वां साल लास्ट होता है वो शुक्र का बीच आता है जी, तो मंगल की एज शुरू हो जाती है, मंगल की एज 33 साल तक रहती है जी। तो क्या करना चाहिए ये लाल किताब के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, और कभी कभी मैं पराशर ज्योतिष को बीच में लेता हूँ। जब मैं कई दफ़ा ऐसा होता है पराशर ज्योतिष की बात करता हूँ तो बीच में लाल किताब का एक अंश लेता हूँ जरूर, क्योंकि देखिए स्टडी मैंने सब पढ़ रखी है, जब तक उसका निचोड़ नहीं आप करते तब तक आप स्टडी को जान नहीं पाते। शिवाली जी दोनों स्टडियों को मिक्स करता हूँ कई कई दफ़ा मैं, तो कई दफ़ा ये ऐसा होता है कि जब मुझे पता है कि यहाँ पे इस घर में ये बैठा हो तो तब भी फल नहीं मिल रहा, इसका मतलब प्राशर ज्योतिष में नक्षत्र मुझे देखना पड़ेगा अब जी, वो नक्षत्र का फल क्या कर रहा है, इसका मतलब वो नक्षत्र के कारण ही उसके साथ ऐसा हो रहा है, फिर हम उस नक्षत्र का दान पुण्य करवाते हैं। तो लाल किताब के मुताबिक, प्राशर ज्योतिष के मुताबिक दोनों का मतभेद अलग अलग है, लेकिन
मैं प्राचीन ज्योतिष के मुताबिक बताता हूँ, यहाँ पे सप्तम घर में शनिदेव बैठे हुए ये भी करते हैं, क्योंकि शेफाली जी ने एक और क्वेश्चन किया था कि घर बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, कितनी एज के बाद बनाना चाहिए। बना बनाया है घर ले तो ज़्यादा अच्छा है, घर बनाने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि लगन को देखेगा, सेहत खराब करेगा पत्नी की, देखिए पत्नी की सेहत खराब करेगा, खुद की सेहत भी खराब होगी, क्योंकि जब पत्नी के पीछे पीछे जाता रहेगा उसकी सेहत खराब करेगी। कई दफ़ा तो ऐसा होता है, अगर बुरी राशि का हो तो कई दफ़ा दशम घर के साथ जब संबंध बन जाता है तो पार्टनरशिप की मृत्यु भी करवा देता है, तो उसके ऊपर उसके दो मैरिजों का योग बन जाता है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि पार्टनरशिप को नीच जब ग्रह दिख रहे होते हैं तो पार्टनरशिप भटक जाता है, उसके कारण पति की बदनामी होती है। तो घर बना बनाया ही लेना चाहिए, क्योंकि दशम दृष्टि से चौथे घर को देखता है तो घर का सुख भी अच्छे ढंग से नहीं लेने देता। और भी बहुत सारी बातें हैं शेफाली जी, लेकिन सप्तम घर के शनि को ठीक करना बहुत आसान, मुझे पता है कि आप पूछोगे, इसका उपाय बताइए। अगर आप कच्ची मिट्टी में पानी छिड़कते हो, देखिए शाम के समय आप पौधों को पानी देना शुरू कर दीजिए, पौधे कच्ची मिट्टी में उगते हैं भाई, तो कच्ची मिट्टी को जब आप पानी देते हो तो आपका शनिदेव शुक्र वहाँ पे शनिदेव बैठा शांत हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव जब भी खराब हो रहा हो तो चंद्र का उपाय करना चाहिए, चंद्र है पानी, कच्ची मिट्टी के ऊपर पानी डालने से शुक्र ग्रह अच्छा हो जाता है, शनिदेव सप्तम घर के उच्च का प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। बहुत आसान उपाय बताया, बगीचा घर में बनाइए उसमें पानी दीजिए। प्रोफेसर साहब, आज आपने शनि देव के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर पार्टनरशिप है आपकी तो वो टूट जाएगी, ऐसे पार्टनरशिप ऐसे ही नहीं करनी, कुंडली दिखाकर ही आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। घर बनाना है तो उसके बारे में भी बताया। जिन जिनका शनिदेव सप्तम हाउस में है उनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है इस एपिसोड के जरिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। Oh.